कन्हैया मुझसे मिलने आए, बंद कमरे में कह दे कि राहुल जी मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है। आज तक कहूंगा कहीं नहीं आ, ये बात तू बाहर मत कह दियो। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। वाह 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 वाह, क्या बात बोली। परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है, कोविड के समय कहता है थाली बजा दो। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया। अच्छा देखो कन्हैया है यहां पे। अब कभी कभी मेरे से मिलने आता है, बातचीत होती है, कभी कभी इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात हो जाती है, कभी गरीबी पे बात हो जाती है। कन्हैया में अलग अलग लेवल की समझ है, यमुना पार की समझ है, किसानों की समझ है और इंटरनेशनल लेवल की भी समझ है। मगर अगर एक दिन कन्हैया मुझसे मिलने आए और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके, सुनो और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके बंद कमरे में कह दे कि राहुल जी मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है, तो मैं कन्हैया से कहूंगा, हाथ जोड़कर कहूंगा, कहीं नहीं आ, ये बात तू बाहर मत कह दियो। गलती से भी ये बात बाहर मत कह दियो, मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान के की जनता, सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे, क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं, वाह 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 वाह, क्या बात बोली। परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है, कोविड के समय कहता है थाली बजा दो। परमात्मा ने भेजा और कोविड के समय कहते हैं लाशों के ढेर पड़ी हैं गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने, लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री आते हैं कहते हैं भाई और बहनों, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए, जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना इसमें गैस होती है, एक पाइप लो उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया। अच्छा ये जो आए हैं ऊपर से, जो परमात्मा ने भेजा है, अजीब सी बात ये है कि ये सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं, अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, वो जो भी चाहते हैं 2 मिनट में मोदी जी कर देते हैं।
रेलवे चाहिए ले लो, पोर्ट चाहिए ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, अगली भी स्कीम चाहिए चलो अगली भी स्कीम दे देते हैं, जो भी इनको चाहिए दे देते हैं। और गरीब जनता 24 घंटा हाथ जोड़ के कर्जा माफी मांगे, सड़क मांगे, अस्पताल मांगे, शिक्षा मांगे। नरेंद्र मोदी बस देखते रहते हैं।